हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड स्टेज टू फुल रिव्यू। और फुल रिव्यू कैसा होने वाला भाई साहब, तो ये वीडियो रिव्यू होने वाला है। वीडियो रिव्यू का मतलब वीडियो भी दिखाने वाले हैं रनिंग का, फुल रनिंग वीडियो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो कोस्ट गार्ड स्टेज टू का आज क्या क्या चेक हुआ सेंटर पे सब कुछ बताया जाएगा। फिजिकल की बात, मेडिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो क्या चेक हो रहा है वो भी बात किया जाएगा। फिजिकल में कैसे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोरोना सर्टिफिकेट लग रहा है कि नहीं, बूस्टर जो जिसने नहीं लगवाया उसका क्या करना होगा, उसको एंट्री मिलेगा कि नहीं, और जिसने दांत वगैरह कान वगैरह साफ नहीं करवाया उसको क्या होगा भाई साहब, अब कैसे क्या होगा, कल जिसका है परसों है तरसों है, तो सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। और वीडियो देखने के बाद इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपका सारा डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा और आप टेंशन फ्री भी हो जाइएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा एंड 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्या, आपका सपना अगर कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो अदरवाइज आपकी मर्जी, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ऐड हो जाना है ताकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेके चलेंगे और सारा कुछ आपको रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे, फुल वीडियो रिव्यू। ओके, चलिए यहाँ पे आ चुके हैं हम व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे आपको दिखाएंगे यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा 9:33 पे मैसेज किया। और मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, एक बार ऑलरेडी बनाया मैंने, बट इसमें साउंड ही मेरा पता नहीं किस तरीके से सेटिंग हो गया था और साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से बनाना पड़ रहा है। मेरा हो गया PFT क्लियर, कोलकाता में था देख सकते हैं यहाँ पर, और मेडिकल हो रहा है क्या, तो इन्होंने बताया कि मेडिकल के बारे में इन्होंने नीचे लिखा है 50 में से 35%, मतलब 50 बच्चों का रिपोर्टिंग था, 35 बच्चे ही प्रजेंट हुए थे, राइट। उसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पे मेडिकल हो रहा है कि नहीं, तो मेडिकल इन लोगों का कल होगा, इन्होंने बताया कि कल मेडिकल होगा। देखिए कलकत्ता सेंटर पे कल मेडिकल, जिसका भी आज था उनका कल मेडिकल कराया जाएगा कलकत्ता सेंटर। अब जिसका कल फिजिकल है वहाँ पे, वो बच्चे सोचेंगे हम लोग का क्या होगा भाई, फिजिकल आपका अलग टीम करेगी, मेडिकल अलग टीम करेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टोटल 20 को ही सेलेक्ट किया गया है, 50 में 35 रिपोर्टिंग, 15% इसी तरह गायब हो गए, और बाकी सारे कुछ रनिंग में कुछ सर्टिफिकेट में आउट होंगे, और टोटल बच गए हैं 20, अभी 20 बच गए हैं, कल मेडिकल कराया जाएगा इन लोगों का। ओके, सबसे ज़्यादा मैंने इनसे पूछा भी किस में आउट कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत हार्ड है, मतलब कि डॉक्यूमेंट इसमें मतलब कि आउट होते होते बचे, मतलब ये भी आउट होते होते बचे हैं और फिर भी इनका हो गया है। तो सबसे पहले इनको तो कांग्रेस भाई का हो गया है, बस कल भी मेडिकल है इनका, तो कल भी हो ही जाएगा, इतना तो श्योरिटी है हमको। सबसे ज़्यादा किस में आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये बैच इनको दिया गया कोस्ट गार्ड बैच देख सकते हैं, और इन्होंने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा भी, शायद ये सबके बस की, मतलब कि सबको नहीं मिलता है, ये उन्हीं को मिलता है जो कोस्ट गार्ड में जाते हैं। कास्ट और OBC सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा आउट कर रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और OBC, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को ना बोलिए, सीधा सीधा इसको बोलिए OBC सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाति प्रमाण पत्र समझ लेंगे, जो जाति नहीं भाई साहब, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर, राइट, NCL नॉन क्रीमी लेयर वाला जो होता है वो वाला आपको बहुत बहुत ज़रूरी। और फोटो है तो भेजे, मैंने इनसे फोटो भी पूछा, फोटो भी भेजे हैं। रनिंग में कितना को, रनिंग में 7 बच्चों को आउट किया, राइट, रनिंग में देखिए, रनिंग तो भाई 7 मिनट में है, तो इसमें तो भाई अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो भाई दिक्कत है फिर तो। पुशअप में चांस दे रहा था, इन्होंने बताया टाइम कितना दे रहा है, 7, यहाँ ने बताया रनिंग में 7 आउट, और टाइम कितना मैंने पूछा, 7 मिनट आपको मिलेंगे फिक्स। वीडियो बनाया है भैया मेरी रनिंग, मैंने इनके भैया ने वीडियो बनाया था, ये जब रनिंग कर रहे थे, मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बोला 7 मिनट टाइम दे रहा है, 6:40 में इन्होंने मार दिया है, और ये भी अच्छा है भाई साहब, अच्छा टाइम पे रनिंग कर लिया। तो स्क्वाड 20 कराया जा रहा है, इसमें कोई भी आउट नहीं हुआ, 20 स्क्वाड में कोई भी नहीं, जो भी आउट होगा रनिंग में जो कभी दौरा नहीं होगा, रनिंग में 7 मिनट टाइम है, तो इसमें भी कोई आउट हो रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपको। आज मेडिकल किया है क्या, नहीं सर, लेट हो गया है, मेडिकल नहीं किया है, और किसी का भी नहीं किया है, नहीं 8:30 पे ही आउट कर लिया है, रात को 8:30 बजे, मतलब कि 8:30 में आपको आउट कर दिया है सभी को, और फिर से इनको नहीं, कल फिर बुलाया है सुबह में, सभी को कल सुबह में बुलाया है, फिर से कल मेडिकल कराएगा इन लोगों का इनिशियल मेडिकल। ओके, इतना देर क्या कर रहे थे भाई, तो इनसे पूछा तो इन्होंने बताया बैठा के रखा था वहीं पे,
वीडियो भेज देना भाई रनिंग में, तो इन्होंने वीडियो भेजा है रनिंग का, एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको और देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने, मैंने पूछ लिया क्योंकि बूस्टर डोज कोरोना सर्टिफिकेट वाला ये जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट वाला, ये देख सकते हैं बूस्टर डोज वाला सर्टिफिकेट लग रहा है क्या, तो लग रहा है इन्होंने बताया। बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे जिन्होंने नहीं बनवाया, टेंशन ना लीजिए, बूस्टर डोज जिसके पास नहीं है बस एक फॉर्मेलिटीज़ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है आउट नहीं हुआ है, यहाँ पे आप समझ लीजिए एक फॉर्मेलिटी की तरह, जैसे आप जाते हैं ना एग्ज़ाम देने तो वो मांगते हैं आपसे मास्क वगैरह लगा के आना है, फॉर्मेलिटीज़ वो होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक हो रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही आपका चेक करेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया जाता है। 25 फोटो यहाँ पर लग रहा है आपका, 25 फोटो मैं, लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, एक बच्चे ने बताया भुवनेश्वर का था, वो भुवनेश्वर उसका था, उसने बोला 40 फोटो लग रहा है और यहाँ पे 25, तो भाई मैंने ऑलरेडी बताया है 30-30 ले जाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं 10th 12th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वही जो कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट और एक होता है EWS सर्टिफिकेट, जिससे भी आपने फॉर्म भरा वो आपको लेके जाना होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा डरने का कोई सीन नहीं था, जिसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे, हाँ, तो बाकी वहाँ से ऑफिसर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने इनसे फ़ोटो भी मांगा था बट इन्होंने फ़ोटो मना किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो इन्जॉय कीजिए। बड़ 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 तेजी बड़ हो गया, कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, टाइम 46 भाई बुला रहा भाई, हाँ ठीक है, चलिए एक और रिपोर्टिंग था यहाँ पे, कहाँ पे भुवनेश्वर का, जैसे मैंने बोला ना 3 यहाँ पे रनिंग में, और यहाँ पे भी 47 रिपोर्टिंग था, 35 प्रजेंट हुए यहाँ पे भी, कोलकाता में 35, यहाँ पे 35, 3 रनिंग में आउट हो गए, OBC जो है सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा, मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा बच्चे आउट होंगे OBC सर्टिफिकेट में, यही आइडिया नहीं रहता कैसा बनेगा, जो जुड़े होंगे चैनल से वो तो आउट नहीं होंगे ये तो गारंटी है, तो 9 बच्चे OBC में आउट होंगे, ओके, और 23 बच्चा लोग बचे हैं जिसमें 4 को रेफर, रेफर का यहाँ पे ये मत समझ लीजिए रेफर मतलब आउट कर दिया, टेंशन नहीं लेना, रेफर का मतलब जैसे भी अब जिसका भी बच्चा मेडिकल में जिसने दांत वगैरह साफ नहीं करा है तो वो आपको आउट नहीं करेंगे, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आउट आप नहीं होने वाले हैं, इनिशियल ये मेडिकल कराया जा रहा है बट एक फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि आपका अगर कोई चीज़ में दिक्कत है, मान लीजिए आपका पैर में हाथ में कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, आपका हाइड्रोसिल वगैरह कुछ भी दिक्कत है, तो आपको बताया जाएगा कि आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है और आप इसको सुधार करा लीजिए, ठीक करा लीजिए ताकि फाइनल मेडिकल में आपको दिक्कत नहीं हो, बस इतना ही कहा जाएगा। 40 फोटो लग रहा है जैसे इसने बताया भी बच्चे ने, यहाँ पे याद है और किस चीज़ में, तो कान दांत में बोला है कि साफ, मतलब कि यही नॉर्मल आपका हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी आपको वीडियो मैंने बना ही दिया और मेडिकल आपको नॉर्मल हो रहा है, जिसका भी दांत वगैरह में प्रॉब्लम है कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, ओके, मेडिकल कैसे डरना नहीं, नॉर्मल मेडिकल कराया जा रहा है, ओके, नॉर्मल मेडिकल, कोई भी डरने की बात नहीं है, ओके। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, बाकी व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैसेज कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर जाइए एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि औरों को हेल्प हो जो भी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर इसी वैकेंसी इसी में फिजिकल वगैरह है तो सतर्क हो जाए थोड़ा सा, ताकि जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।